Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. कैसे हो आप सब हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सभी का आपके अपने चैनल एस के ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम ये 25 नवंबर की शाम का टाइम है और यहाँ पर मेरे जेठ जी के फ्लैट में देखिए हम सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि मेरे जेठ के पोते नौमित का आज जन्मदिन है तो जन्मदिन की छोटी सी पार्टी घर पर ही रखी गई है तो आप सब भी आइए और बर्थडे पार्टी में शामिल हो जाइए ये जितनी भी यहाँ पर लेडीजें आपको बैठी हुई दिख रही हैं ये सब मेरे जेट की जो सोसाइटी है वहीं की हैं बच्चे हैं बड़े हैं सब इन्जॉय कर रहे हैं तो आप सब भी हमारे साथ जन्मदिन की पार्टी में इंजॉय कर लीजिए और वैसे मेरे हिसाब से तो बड़ों से ज़्यादा बच्चे इन्जॉय करते हैं क्योंकि इस तरह की जो बर्थडे पार्टी होती है ना इसमें छोटे बच्चे ही सबसे ज़्यादा खुश नज़र आते हैं क्योंकि उनके मन की बात होती है यहाँ पर जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिलता है इसलिए बच्चे ही सबसे ज़्यादा खुश नज़र आते हैं तो यहाँ पर केक काट दिया है और सबको यहाँ पे केक बांट रहे हैं ये मेरे जेठ के बेटे की बहू है मंजू ये केक काट के और कटोरियों में डाल के दे रही है और मान्या जो कि मेरी ननंद की पोती है वो सबको सर्व कर रही है और उनके साथ में जो बैठी है वो है हमारी रीतु मेरे जेठ की बेटी तो वो भी उनकी हेल्प कर रही है तो आइए और केक खा लीजिए ये है मेरे बीच वाले जेठ की पोती ऐना जो कि यहाँ पर खेल रही है और हमारी रिया को आज बुखार हो गया है वो बिल्कुल बुखार से तप रही है इसीलिए मेरी जेठानी उसको गोद में लिए हुए है वो रो रही थी बिल्कुल क्योंकि उसको बहुत तेज़ बुखार है वरना वो तो आज इतना इन्जॉय करती बहुत ज़्यादा दस दिन से तो उसको इतनी खुशी हो रही थी बर्थडे पार्टी बर्थडे पार्टी लेकिन आज बर्थडे पार्टी का दिन आया तो वो बीमार हो गई है उसे बहुत तेज बुखार हो गया है और ये देखिए केक काटने के बाद जैसे यहाँ पर अब छोटे बच्चे हैं डीजे बज रहा है यहाँ पे गाने बज रहे थे इसी वजह से मैंने यहाँ की आवाज़ म्यूट कर दी तो बच्चे डांस कर रहे हैं खेल रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे ही सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं बर्थडे पार्टी में बड़े तो बैठ के अपना गप्पे मारने लग जाएंगे या कोई और बात होंगी वो करने लग जाएंगे लेकिन सही मायने में एंजॉय छोटे बच्चे ही करते हैं यहाँ पे मेरी ननंद का पोता और जेठ का पोता वो दोनों खेल रहे थे और ये देखिए यहाँ पर भी ये नौमित है जो उधर अभी ये आया है वाइट चीज के आगे टी शर्ट पर छोटा सा लेबल लगा हुआ है ये हमारा नौमित है इसी का आज जन्मदिन है और ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर खेल रहा है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं बच्चे और यहाँ पे देखिए छोटा सा मतलब ये होता है ना स्पीकर टाइप होता है ये लगा रखा है गाने बज रहे हैं और ये देखिए छोटी सी एना है ये भी खुश हो रही है इसको डांस कर रही थी ये भी तो आप सबको बर्थडे पार्टी में शामिल होकर कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए और बर्थडे पार्टी रखनी थी इसी वजह से मैंने सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये मैं छब्बीस नवंबर को शाम के टाइम पे कर रही हूँ क्योंकि मेरी भी कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी सुबह से ही माइग्रेन का दर्द हो गया था सिर में तो दिन में भी मैंने दो पेन किलर खाई ताकि मुझे शाम तक आराम आ जाए घर पे पार्टी रखी गई है बाहर के भी सब लोग आएंगे और अपना अगर चेहरा उतरा हुआ हो चेहरे पर एक मुस्कान ना हो तो अच्छा नहीं लगता है सामने वाले को थोड़ी ना पता होता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है क्या दिक्कत है उसके लिए अपने आप को ही ठीक करना पड़ता है फिर शाम तक दो गोली खाई उन्नीस बीस आराम हो गया था और फिर मैं भी यहाँ पर लेट ही आई थी दिन में जैसे दो ढाई बजे यहाँ पर सजावट हो रही थी उस टाइम पे मैं नहीं आई थी क्योंकि मेरे सिर में ज़्यादा दर्द था इस वजह से मैं आई नहीं वरना उसी टाइम पे जब डेकोरेशन हो रही थी ना तब मैं वीडियो बनाती तो थो थोड़ा सा और अच्छा लुक आता लेकिन फिर अपना ही शरीर ठीक ना हो तो अच्छा नहीं लगता और यहाँ पे अंदर ये देखिए ये सोसाइटी की सभी लेडीज़ हैं यहाँ पे पार्टी इंजॉय कर रही हैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक समोसे रसगुल्ले सब चल रहे हैं तो आप सब भी इंजॉय कर लीजिए और बच्चा पार्टी की तो बात ही अलग है बच्चा पार्टी तो अपने में ही मस्त रहती है बहुत खुश रहती है और ये मेरी जेठानी उर्मिला है बच्चों के साथ में क्योंकि बच्चों को देखना भी पड़ता है कहीं छोटे बच्चे आपस में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा ना करने लग जाए ये इनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाल के दे रही है क्योंकि बच्चे हैं अगर इन्हीं को बोतल दे देंगे तो फिर ये नीचे भी गिरा देंगे आप से इनसे नहीं हो पाएगा तो इसी वजह से ये इनको डाल के दे रही है कि जिसको इच्छा हो वो ले लो जिसको इच्छा नहीं है वो ना पिए लेकिन बच्चे तो होते हैं ना बच्चे थोड़ा सा भी अगर गिलास में कम होता है तो आना करने लग जाते हैं कि नहीं इसको भर के दो लेकिन अब सर्दी का मौसम हो गया है थोड़ी कम ही बच्चे पिए इस तरह की चीज़ें तो ठीक रहता है नहीं तो गला भी ख़राब होने का डर रहता है क्योंकि मौसम ठंड का है और ठंड में ये चीज़ें फिर नुकसान तो कर ही जाती हैं बच्चों को लेकिन फिर बच्चे कहाँ मानने वाले होते हैं इस तरह की चीज़ें जब देखते हैं तो बच्चे तो सबसे पहले ज़िद करने लग जाते हैं तो आज घर पे ही जन्मदिन की पार्टी रखी गई है सब इकट्ठे हुए हैं मेरी बड़ी ननंद बिमला आई हुई है मेरे जेठ की बेटी रितु आई हुई है रितु के दोनों बेटे और जो बीच वाला जेठ है जेठ आया हुआ है जेठ के दोनों बेटे और प्यारी सी पोती ऐना आई हुई है तो आप सबको पार्टी में शामिल होकर कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और वैसे मैंने फिर ये था कि मैं इसको सुबह सुबह तैयार करके और आप सबके साथ शेयर कर दूँगी लेकिन सुबह जब उठी तो इतने लंबे टाइम तक जब माइग्रेन का दर्द सिर में रहता है ना तो सुबह गला भी ख़राब हो जाता है और आंखों में भी काफ़ी दर्द हो रहा था ऐसा हो रहा था जैसे आंखें मेरी बाहर निकलेंगी इसी वजह से फिर मैं इसको 26 तारीख को आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई सो आज 26 नवंबर की शाम को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और 27 को आप सबको ये वीडियो मिलेगी और ये देखिए यहाँ पर ये अंदर मेरी ननंद है ये जेठ का बेटा रवीन है विशाल के पापा जी विशाल के ताऊ जी अनुज और मंजीत नीचे बैठ के अपनी बेटी के साथ खाना खा रहा था तो यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं अपनी गप सपाक रहे हैं इस तरह से घर में कोई छोटी सी पार्टी जब रखते हैं तो सारा परिवार इकट्ठा के एंजॉय करता है और एक दूसरे से क्या होता है ना बैठ के और फुर्सत से मिलने का एक टाइम मिलता है कि हाँ पार्टी में है तो अपना खूब इंजॉय करो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं और अभी बाहर की तरफ देखते हैं क्या कुछ हो रहा है तो यहाँ पर ये तो दोनों भाई बैठे गप्पे आंक रहे हैं अनुजिन की बातें सुन रहा है और बाहर ये मंजू भी दो लेडीजे हैं इनसे बात कर रही है मेरी ननंद यहाँ पे बैठी खाना खा रही है और ये मेरे ननंद की पोती है मान्या और मेरी जेठानी और मिला इस टाइम पे रोटी बना रही है वैसे थोड़ी देर पहले मैंने और रितु ने बनाई थी लेकिन फिर बीच में ये बोली कि मैं बनाऊँगी तुम कुछ और काम करो और ये है ना है डांस है वैसे हमारे तो अगर आप का मैं यहीं पर एंड करती हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार राधा स्वामी राधे राधे जय श्री राधे बाय बाय खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए और हमारे प्यारे पोते को अपना प्यार भरा आशीर्वाद जरूर दीजिए